कहाँ है, क्यों है जाने ये सब। हल्ला गुल्ला धूम धड़का और उड़ गई, हल्ला गुल्ला धूम धड़का और उड़ गई। उमंग उमंग उमंग। दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मुझे तो कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता है। आओ सुने कहानी। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने कभी सुना है कि एक जंगल के दो दो राजा? नहीं सुना ना? तो आज हम सुनेंगे ये कहानी, एक जंगल के दो राजा। एक जंगल के थे दो राजा। यकीन नहीं होता ना, भला एक जंगल के दो राजा कैसे हो सकते हैं? अच्छा तो आओ सुनो एक ऐसी कहानी जिसमें एक जंगल के हैं दो राजा। कौन कौन से? एक भालू और दूसरा शेर। सुंदरवन जंगल था, बड़ा ही निराला, बहुत ही प्यारा। वैसे तो सभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन भाई बस एक ही बात पर लड़ते कि उनका राजा कौन, शेर या भालू। शेर से प्यार करने वाले कहते कि जंगल का राजा तो हमेशा शेर ही होता है। वहीं दूसरी ओर भालू को पसंद करने वाले भी थे। उनका कहना था कि भालू जंगल का सबसे बूढ़ा और समझदार जानवर है, हमारे सुंदरवन जंगल का राजा भालू दादा को बना देना चाहिए। हर बार पंचायत बैठती और यही सोचा जाता किसको जंगल का राजा बनाया जाए। आपस में सब लड़ते झगड़ते। ऐसे ही न जाने कितने दिन बीत गए, पर राजा कौन इसका पता नहीं चल पाया। और तो और ये पता चला कि सुंदरवन के पड़ोसी जंगल के जानवरों ने हमला बोलने की तैयारी कर ली है। सभी जानवर घबरा गए। आपस में सब जानवर बात करने लगे, क्या करें, कहां जाएं, छुप जाएं, नहीं, भाग जाएं। सुंदरवन जंगल में हाहाकार मच गया। शेर और भालू ने सभी जानवरों को शांति बनाए रखने के लिए कहा, साथ ही ये समझाया कि अगर सब मिलजुल कर दुश्मनों का सामना करेंगे तो दुश्मन हार जाएगा। शेर ने कहा, मैं इतना तेज दहाड़ूंगा कि मेरी आवाज सुनकर पड़ोसी जंगल के जानवर डर जाएंगे और मैं जंगल के द्वार पर जाकर बैठ जाऊंगा, जिससे कोई भी जंगल में अंदर ना घुस पाए। खरगोश बोला, अगर फिर भी दुश्मन जंगल में घुस गए तो फिर क्या होगा? भालू ने समझाया, देखो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, मैं यहाँ जंगल के अंदर आप सबकी रक्षा करूंगा। सब जानवरों ने कहा, हम सब सहायता करेंगे तुम्हारी। जंगल पर आक्रमण हुआ। शेर ने आधे से ज्यादा दुश्मनों को अपनी गर्जन से डराकर भगा दिया। वहीं थोड़े बहुत दुश्मन जो जंगल के अंदर घुसने का साहस कर पाए, भालू के भारी भरकम शरीर को देखकर ही डर गए। भालू ने मेंढक को कहा, जाओ जाकर वो सामने वाले गड्ढे में बैठ जाओ
और टर टर की आवाज निकालो। दुश्मन समझेंगे कि वहां तालाब है, पानी पीने के लिए उस तरफ जरूर आएंगे। बस जी, भालू की आज्ञा हुई और मेंढक झट से कूद गया गड्ढे में और वहां बैठकर टर टर की आवाज निकालने लगा। उस आवाज को सुनकर कई दुश्मन उस गड्ढे की तरफ भागे और जैसे ही वहां पहुंचे धड़ाम से गड्ढे में गिर गए। और बस भाई, देखते ही देखते लड़ाई खत्म हो गई। पड़ोसी जंगल के जानवर हार गए। लेकिन बात तो वहीं की वहीं, जंगल का राजा कौन? शेर के दोस्त बोले, शेर इसने अपनी ताकत से सबको भगा दिया। भालू के दोस्त बोले, नहीं नहीं, भालू दादा ने अपनी समझदारी से सब दुश्मनों को भगा दिया, उन्हें हरा दिया। बहुत सोच विचार कर सब जानवर इस नतीजे पर पहुंचे कि ताकत के साथ अकल का होना, समझदारी का होना भी जरूरी है। शेर के पास अगर ताकत है तो भालू के पास समझदारी। और सब ने मिलकर कहा, शेर राजा की जय, भालू राजा की जय। और इस जय जयकार से जंगल के बन गए राजा दो। साथियों, कैसे लगी ये कहानी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अब जब मैं अगली बार आऊंगा तो एक और कहानी लाऊंगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। नमस्ते। उमंग, अभी आप सुन रहे थे ये पत्रिका। ध्वनि अंकन बटीलैंग लिंगडो और शानु मुक्सीम। आलेख, निर्माण एवं निर्देशन गीतिका उनियाल तथा प्रस्तुति CIET NCERT।